येला! तुम मेरे से बच नहीं सकते। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भालू? अरे बाप रे, फिर से तुम दोनों हमारी महारानी को सुरक्षित जगह पे लेके जाते हैं। चलो आप मुझसे बचकर दिखा दो आक्रमण। मैं संभालती हूँ जादुई प्रतिबंध। और आखिरकार वो गंदा राजा हार गया। वो गंदा राजा इतना शक्तिशाली है कि बिना औजार के दुनिया को बर्बाद कर सकता है। मुझे लगता है हमारी महारानी कमाल की है, वो सब कुछ दोबारा जिंदा कर सकती है। मैं तो आगे की कहानी सुनने के लिए बेताब हूँ। वो गंदा राजा जरूर कोई गंदा सा प्लान कर रहा होगा। उससे बदला लेने की तरकीब बनाई है। ऐसी कहानी के साथ शायद बहुत चमता है क्या? ऐसे चढ़ना कितना थकने वाला काम है। चलो लगभग पहुंच गया हूँ, मैं अब एक सही टहनी चुनूंगा। आखिरकार पहुंच ही गया। वाह, चंद्रमा तो कितना सज धज के बैठा है। मैं आज पूरी रात यहाँ बैठ के आराम कर सकता हूँ। नीचे तो बहुत गर्मी है, ऊपर हवा ठंडी है। ओह कितना सुंदर है यहाँ। अरे मेरे ऊपर से हटो। क्या हुआ उसके बाद हमें बताओ बबलू। ठीक है ठीक है, अब सुनो। जैसे ही वो गंदा राजा पिछली हार का गुस्सा दिल में लिए अपने गंदे इरादों के साथ वापस आया। बल्ले। म्याऊ। मेरे महाराज आप वापस आ गए। सोच भी नहीं सकता वो फिर से भाग गई। मेरे महाराज आप हार गए। क्या बोल रहे तुम? मैं राज करने वाला हूँ, मैं हार कैसे सकता हूँ? मुझे मुझे माफ कर दीजिए, मेरे महाराज अमर हैं। ठीक है, तुम्हें पता मुझे कौन सी बात सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है? कि जब मैं जंगल को नष्ट करता हूँ वो बद्दी सी रानी जादू का इस्तेमाल करती है। मैं उसका मुकाबला कैसे करूँ? और उसके वजह तो गंदे राक्षस भालू है, हमेशा मुझे मारने की कोशिश करते हैं। मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे महाराज गुस्सा थूक दीजिए, मैंने एक तरकीब सोची है। ओ, तो ये योजना क्या है बताओ मुझे। म्याऊ। दरअसल और फिर। अरे वाह, अब मैं उस जंगल में जाने वाला हूँ और फिर वहाँ अपना किला बनाऊंगा। ये तो कमाल हो गया यार। मैं आज तक का सबसे महान राजा बनूंगा। मेरे नाम की जय। चलो तुमसे शुरू करता हूँ। ध्यान रखो, नीचे रखो इसे। मैं तो ऐसा ही कुछ चबा रहा था। वो गंदा राजा किसी वक्त चुपके हम पे वार कर सकता है। क्या यह नामुमकिन है? याद करो हमने उसे भगा दिया था। और तो हमारे पास ये खतरनाक हथियार भी है, हम किसी से नहीं डरते हैं। माफ करना, ये ऐसा ही हो गया। ठीक है, शांति रक्षक, तुम्हें सवाल करना चाहिए। कोई है, जल्दी मदद करो, तुम्हारी मदद चाहिए। वो बेरहम बिल्ला आ गया है। वो बिल्ला तो खतरनाक राजा के लिए काम करता है, वो यहाँ क्या कर रहा है? हमें जाके देखना पड़ेगा। तुम दोनों महारानी की सुरक्षा में तैनात रहो। सर। रक्षक भालू कैसे हो तुम? मैं मेरे महाराज का संदेश वाहक हूँ, शांति के लिए आया हूँ, जंग लड़ने नहीं साहब। तुम झूठे हो,
ये लो। रुको रुको रुको, रुक जाओ, मैंने तो सच बोला है। मैं यहाँ आत्मसमर्पण करने आया हूँ। क्या आत्मसमर्पण? हाल ही में शायद मेरा वजन घट गया होगा, हवा के झोंके से ही। कौन है वहाँ पर? ये तो जबरदस्त कहानी है। वो लोग कभी सोते नहीं है क्या? क्या कर रहे हैं वो लोग? मुझे जानना होगा। भाई मैं समझ गया, वो बैल है बिल्ला कोई गंदा तरकीब लेके आया होगा। मैं भी उसके साथ सहमत हूँ। आशा करता हूँ कि रक्षक भालू उस बिल्ले की बातों में ना आए। उस बिल्ले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्ले पर भरोसा? ये लोग तो जैसे कुछ कहानी सुन रहे हैं। मुझे सोने के वक्त कहानी बहुत पसंद है, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। लेकिन जो भी हो, वो रक्षक भालू उस बिल्ले को रानी से मिलने ले जाता है, फिर उसके बाद महारानी जी। ये तो मेरे लिए सम्मान है, मैं यहाँ मेरे महाराज की तरफ से शांति की वार्ता लेके आया हूँ। क्या? ओ, सच में? बिल्कुल सच। जंग से और कुछ नहीं होता, बस जंगल नष्ट होते हैं, लेकिन शांति हम सब के लिए खुशहाली लाएगी। म्याओ। भाई साहब आओ। मेरे महाराज ने वादा किया है कि वो भूमि के नीचे अपने राज्य में वापस चले जाएंगे और फिर कभी आपके खूबसूरत जंगल में वापस नहीं आएंगे। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? सुनो, इस पर भरोसा मत करो। सही बात है, ये जरूर कोई साजिश चलती जा रही है। रक्षक बबलू, तुम क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से इस शांति के बदले गंदे राजा को जरूर कुछ ना कुछ चाहिए होगा। ठीक कहा है बेरहम बिल्ला, तुम्हारे राजा को असल में क्या चाहिए? छोड़िए भी, आपको ज्यादा सोच रही है। मेरे महाराज का कहना है कि वो आपके साथ कुछ एक शांति समझौता करना चाहते हैं। उनकी सच्चाई के सबूत के तौर पे ये एक तोहफा कबूल कीजिए। बस इतना ही? एकदम ठीक। तुम्हारे राजा के उपहार के लिए शुक्रिया, मैं ये स्वीकार करती हूँ। शुक्रिया। इसकी खुशबू वाकई अच्छी है। मेरे महाराज इसे जिंदगी की खुशबू कहते हैं। जिंदगी की खुशबू? महारानी जी, क्या हुआ? महारानी जी, माफी चाहता हूँ, मेरी गलती है। इसे असल में कहते हैं मौत की महक। ये तुमने क्या है? महारानी जी, महारानी कैसी है वो? ओ जल्दी आपको बताइए महारानी जी। मैं ठीक हूँ, वो गंदा राजा जरूर मुझे मारना चाहता है। ये लो। लेकिन क्या? प्लीज मेरे लिए इस कली का ख्याल रखना। महारानी जी, क्या उसने अपनी सारी जादुई शक्ति उस कली में छुपा दी है? ये लो गंदे मक्कार बिल्ले। महारानी जी की तरफ से मैं बदला ले रहा हूँ। मेरे महाराज यहाँ किसी भी पल आ जाएंगे। रहम बिल्ले, अच्छा काम किया तुमने। आप सही में आ गए। ये अच्छा नहीं है। रक्षक, तुम्हें उस कली की रक्षा करनी होगी। कोशिश अच्छी थी। भाई, मेरे बिल्ला, उस भालू को रोको। रक्षक डब्लू संभाल के। डब्लू, क्या? म्याओ। मेरी काले है। आओ ले चलो मुझे। उन्हें पकड़ो, वो भाग रहे हैं। ये राजा तो बहुत हिम्मत वाला है। और वो बेरहम बिल्ला भी। डब्लू, क्या तुम बंद करोगे? और शांत। ये कहानी तो असल में बहुत अच्छी है। मुझे लगता है आज रात मुझे नींद आएगी। रुक जाओ, मैं भी वहीं पे रुक जाओ। रुक जाओ।
रक्षा करो। मेरे महाराज, मैं आपको बचाने आऊंगा। तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, गली अब मेरे पास है। जल्दी हमें वो वापस हड़पना होगा। बेला आक्रमण। क्या बात है, बात अच्छे। भाई तुम्हारा वाला नहीं लूंगा। बच गया मैं। करने वालों, तुम लोग मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। उस कली के अंदर क्या स्वादिष्ट चाय था? कहानी सुनाते वक्त तुम चुप नहीं बैठ सकते? ठीक है ठीक है, गलती किया बाप का था, लेकिन उन सबको कली क्यों चाहिए भाई? क्योंकि उस गली के अंदर गंदे राजा को हराने का रहस्य छुपा है। सही में? वो गंदा राजा कली लेके भाग गया और हमारी रानी अब तक सोई हुई है। रक्षकों, क्या हमारी रानी जिंदगी भर ऐसे ही सोती रहेंगी? हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम जाके मदद ढूंढते हैं, चलो। लेकिन हम मदद कहाँ ढूंढेंगे? नमस्कार, क्या ये महान पंडित का घर है? ये बहुत ही जरूरी है। तुम्हारा मतलब वो घर पे नहीं है क्या? घर पे तो है, लेकिन वो वो सो रहे हैं। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, क्या तुम जल्दी उठ सकते हो? पंडित जी, हमारा जंगल मुसीबत में, कृपया जल्दी उठा, उठा पंडित जी, उठा। पंडित जी उठ गए। रक्षक बबलू, क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं? मुझे संदेह है, ये मुझे उठता पंडित भी नहीं देखता है, तो फिर से सो गया। देखो, ठीक है, हमें कोई और उपाय की खोज करनी पड़ेगी। तुम लोग जरा आराम करो, दिमाग के बोझ मत डालो। हाँ, मैं जो करता हूँ तुम वही करो। हाँ, हाँ क्या? रक्षक बबलो, वो अभी नाच कैसे सकता है? आराम करो। तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? हमारा जंगल मुसीबत में है। तुम उत्तेजित होगे तो भी कोई हल नहीं निकलने वाला। मैं तुम्हारे दिलों को शांत कर रहा हूँ। सच्चाई और भविष्य का रास्ता इसी में छुपा है। भविष्य? आगे बढ़ो और वो कली वापस लेके आओ, मैं महल में प्रतीक्षा करूंगा। तो गंदे साम्राज्य का जाने का रास्ता यहीं से है। तैयार हो? ठीक है, अब सुनो, हमें वो कली किसी भी तरह वापस लाना है, चलो अब। मेरे महाराज, वो महारानी ये कली छोड़कर गई है। मुझे लगता है इसमें उसकी सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता, ये तो मुझे बिल्कुल साधारण कली जैसी लग रही है। मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है, वो महारानी अपनी सारी शक्तियाँ इसी में डाल के गई है। नजदीक से निरीक्षण करता हूँ। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हमें अब अलग अलग जाना पड़ेगा। मैं जाके गंदे राजा का ध्यान खींचूंगा, तुम दोनों जाके कली ले लेना, फिर हम इसी जगह पे मिलेंगे। जल्दी चलो अब। कैसे हो गंदे राजा? मैं उस कली को लेने आया हूँ। रक्षक भालू, तुम्हें मेरे महल में आने की इजाजत किसने दी है? बेरहम बिल्ला, जाओ पकड़ लो। चलो चलो। मुझे मिल गई। वो तो सही। अरे नहीं, हमें देख लिया, भागो जल्दी। वो कली यही पे छोड़ के जाओ तुम। मैं उसे संभालता हूँ, तुम जाओ जल्दी। संभल के रक्षक। यह तो बिल्कुल आसान था, अब भागना चाहिए।
मैं बच गया। और रक्षक बबलू? रक्षक बबलू ने कहा हमें जाकर उसे भी बचाना होगा। रक्षक बबलू अभी हमें बचाने आया है। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ उस कली को जंगल में वापस लेके जाओ। कभी नहीं, हम तुम्हें लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। वो बंटी जंगल को बचाने के लिए इस कली का प्रतीक्षा कर रहा है। भागो तुम लोग जल्दी, जाओ जल्दी। यहाँ से बच कर वापस नहीं जाएगा। रक्षक बबलू जबलू चलो यहाँ से, इससे पहले कि देर हो जाए पंडित के पास जाना होगा। ठीक है। जल्दी करो। पंडित जी, आप तुम्हारे लिए कली लेके आया है। अच्छा, मुझे पता है तुम सफल हुए हो। रक्षक बबलू कहाँ है? रक्षक बबलू हमें भागने में मदद करने के लिए आप तक राजा से लड़ रहा है। मुझे पता है वो यहाँ जल्दी वापस आएगा। पंडित ये लो वो कली। ठीक है, चलो अब कुछ काम करते हैं। इसे यहाँ रखो, देखते हैं। अरे हाँ, आज रात जब चांद दिखाई देगा और जब पूर्ण रूप में आएगा, उसकी सारी शक्तियाँ इस कली में आ जाएंगी और इस जंगल में फिर से प्राण वापस लाने के लिए ये कली फूल बन जाएगी। अरे नहीं, ये तो वो गंदा राजा है। मैं आखिरकार रक्षक के हाथ से निकल गया। चांदनी के बिना तुम्हारी ये कली कैसे खेलेगी? वो चांद को घेर रहा है। रक्षक आक्रमण। अब इसे देखो, आक्रमण। भाई पुराना तरीका। मेरे महाराज तो कमाल के हैं। नहीं है तुम्हारे पास क्या? अरे चलो भी। ये रहा। अच्छा ठीक है। क्या बात है, बेरम बेले जाओ कली को ले आओ। अरे नहीं, महारानी और इस कली को बचाओ। जोर से पकड़ो। उसे जाने दो, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। ये मेरी है। अरे वाह, क्या सोचा तू बच जाएगा? ये ले। बाप रे। रक्षक बबलू। बहुत अच्छा किया रक्षक बबलू। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे छोड़ दे अभी। तैयार, ठीक से पकड़ो। भाई देखता हूँ इसे। आक्रमण। रक्षक बबलू। मेरे महाराज, मेरे महाराज। ठीक है फिर, तुम जीत गए। आपको देख के अच्छा लगा। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, और जंगल को बचाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे रक्षकों। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। फिर ऐसे ही फिर सब कुछ ठीक हो गया और सारे जानवर मजे से रहने लगे इस जंगल में आराम से। मुझे पता था वो लोग जीतेंगे। मुझे तो लगा था कि इस कली में ढेर सारा शायद होगा। सच में मेरी कहानी खत्म हो गई, चलो सो जाते हैं। मैं कितना थक गया हूँ, लेकिन मुझे और चाहिए था शायद। क्या कमाल की कहानी थी। ओ गंदे भालू, आखिरकार कुछ तो फायदा हुआ उन दोनों का।